अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शमाइला ज़ैब, योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट अ टॉपिक रेनेसेंस। जैसे कि आपको पता है कि आपकी बुक में ये चैप्टर इंक्लूडेड है, तो थोड़ा सा आज हम इसको डिस्कस करेंगे। रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिवाइवल, रीबर्थ या फ्लोरिश्ड, मीन्स के किसी चीज़ का दोबारा पैदा हो जाना। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका दोबारा से पैदा हो जाना था? आर्ट का, आइडियाज़ का, लिटरेचर का या फिर वैल्यूज़ का। रेनेसेंस के टाइम पीरियड की बात की जाए तो क्लास ये अप्रॉक्सीमेटली 1485 से 1660 तक था। मींस कि आप कह सकते हैं कि 14 से 17 सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था वो रेनेसेंस का था। रेनेसेंस एक ऐसी मूवमेंट है जो पहले किसी सोसाइटी में ना हो, मीन्स कि जब वो क्रिएट हो जाए, जब वो पैदा हो जाए तो उस सोसाइटी में एक तहजीब व तमद्दन उजागर कर दे, या फिर आप कह सकते हो कि उस सोसाइटी को एक रिस्पेक्टेबल मकाम दे दे। रेनेसेंस को एलिजबेथन एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लास जब वहाँ पे रेनेसेंस का आगाज़ हुआ था तो एलिजबेथ क्वीन थी, जो वहाँ पे ब्रिटेन में क्वीन थी, जिसका टाइम पीरियड 1558 से 1603 तक था। इसके अलावा आप इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, एज ऑफ ड्रामा भी कहते हैं और एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहते हैं। अगर हम रेनेसेंस के ओरिजिन की बात करें तो क्लास रेनेसेंस फ्लोरेंस और इटली में शुरू हुआ था और फिर यहाँ से ये फैल गया था पूरे यूरोप में। द न्यू आइडियाज़ कॉज्ड मैनी यूरोपियंस टू लीव द कैथोलिक चर्च। अब ये जो नए ख्यालात थे, जो नए नए आइडियाज़ आ रहे थे वहाँ के जो यूरोपियन लोग थे, उनको इसने ये हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ फ्लोरेंस की, तो क्लास ओरिजिन कहाँ से हुआ था? फ्लोरेंस या इटली से इसका ओरिजिन हुआ था, वहाँ से आगाज़ हुआ था और फिर ये फैल गया था रेस्ट ऑफ यूरोप में। दीज न्यू आइडियाज़ कॉज्ड मैनी यूरोपियंस टू लीव द कैथोलिक चर्च। ये जो आइडियाज़ थे, नए नए ख्यालात थे, इन्होंने बहुत सी जो यूरोपियन थे, मीन्स के वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उनकी ये वजह बने थे कि वो अपने चर्च को छोड़ें और चर्च से निकल कर बाहर की दुनिया को भी मुसाखर करें या नई नई इन्वेंशंस लाएं, नई नई चीज़ें क्रिएट करें। रेनेसेंस चेंज द थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ एलिजबेथन पीरियड। कहते हैं कि रेनेसेंस ने जो ख्यालात थे एलिजबेथन पीरियड के, मीन्स के उस दौर के जो लोग थे, उनके ख्यालात को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया था। रेनेसेंस कल्चरल मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन इटली एंड स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप। वही बात है कि रेनेसेंस जो है एक सकाफती मूवमेंट थी जो कहाँ से शुरू हुई, इटली से शुरू हुई और फिर ये यूरोप के बाकी इलाकों में फैल गई। इट इज़ अ कंसिडर टू बी द डिवीजन बिटवीन मिडल एजेस एंड मॉडर्न एरा। क्लासेस को कंसिडर किया जाता है एक डिवीजन, एक पार्टीशन किसके दरमियान? मॉडर्न एरा के दरमियान और मेडिवियल एजेस के दरमियान। अगर हम मेडिवियल एजेस की बात करें, मिडल एजेस की बात करें, तो क्लास जैसे कि आपको पता है वहाँ पे ज़्यादातर जहालत पाई जाती थी और लोग जैसे अपने मज़हब से रिलेटेड बातें करते थे, तो रेनेसेंस के बाद क्या हुआ कि इंडिविजुअलिज्म को अहमियत हासिल होगी, इंडिविजुअल को अहमियत हासिल होगी। उस टाइम जो एलिजबेथन क्वीन थी उसने कुछ रूल्स बना दिए थे कि इनको लाजमी फॉलो किया जाए। अगर आप ये कहें कि रेनेसेंस ने, मीन्स के इस दौर ने इंसानियत को गहरे तारीख गारों से निकाल के अक्ल व दानिशमंदी से नवाजा, तो ये गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक की, तो क्लास जो सबसे मेजर करैक्टरिस्टिक है वो क्या है? ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म एक ऐसी तहरीक थी जिसमें ये कहा गया था कि मैन वॉज अ सेंटर ऑफ अटेंशन, यानी अटेंशन का जो सेंटर है, जो मरकज़ है तवज्जो का, वो कौन होना चाहिए? इंसान होना चाहिए। ह्यूमनिज्म के जो सोचने वाले जो थिंकर्स थे या जो स्कॉलर्स थे, उनको क्या कहा जाता है? ह्यूमनिस्ट कहा जाता है। क्लास उनको इस बात पे बिलीव था कि जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो गॉड नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्जेक्ट ऑफ स्टडी कौन होना चाहिए? मैन होना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो अपने बारे में जानचे। जैसे कि मेडिवियल एजेस की हमने बात की, या मिडिल एजेस जो मैंने आपसे कहा कि जहाँ पर ज़्यादातर जहालत पाई जाती थी, तो उस टाइम लोगों को ये लगता था कि जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो कौन होना चाहिए? गॉड होना चाहिए। लेकिन जैसे ह्यूमनिज्म बिगेन हुई, ह्यूमनिज्म का आगाज़ हुआ, तो उसमें ये बात कही गई कि जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो गॉड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बजाय इंसान होना चाहिए। अब हम इम्पैक्ट की बात करें, इसके एक कंपैरिजन कर रहे हैं हम मेडिवियल थॉट्स के दरमियान और ह्यूमनिज्म के दरमियान। तो क्लास देखें, मेडिवियल थॉट्स में जो फर्स्ट बात है वो क्या कही गई है कि चर्च एंड किंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो चर्च है और जो वहाँ का बादशाह है या क्वीन है, जो भी है, वो क्या है? ज़्यादा अहम है। लेकिन ह्यूमनिज्म में ये बात की गई कि इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट, मीन्स कि हर इंसान क्या है? अहम है। मेडिवियल थॉट की बात करें, वहाँ पर क्या कहा गया? मैन इज़ सिनफुल,
कि इंसान जो है वो गुनाहगार है, लेकिन ह्यूमनिज्म में क्या कहा गया, मैन इज़ गुड विद डिग्निटी एंड वैल्यू, कि इंसान अच्छा भी है अपने वक़ार के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपनी इकदार के साथ। नेक्स्ट हम बात करें, जो थर्ड बात की गई वो क्या थी, लाइफ्स प्लेयर मस्ट बी अवॉइडेड टू प्लीज़ गॉड, मीन्स कि जो लाइफ की खुशियाँ हैं, जो ज़िंदगी की खुशियाँ, उनको कुर्बान कर दिए चाहिए, उनको तर्क कर देना चाहिए गॉड की खुशी के लिए, ठीक है। और ह्यूमनिज्म में क्या बात की गई कि पीपल कैन इन्जॉय लाइफ एंड स्टिल बी गुड क्रिश्चियन, कि इंसान या जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को इन्जॉय कर सकते हैं और एक अच्छे क्रिश्चियन बन सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है मेडिवियल एजेस में वो क्या कहा गया, एक्सेप्ट द ह्यूमन कंडीशन, यानी इंसानों की जो भी हालत है उस टाइम उसको कबूल किया जाए, जिस हाल में भी वो रह रहे हैं, जिन चीज़ों के साथ रह रहे हैं उनको कबूल किया जाए। जबकि ह्यूमनिज्म में क्या कहा गया, इनकरेज ह्यूमन अचीवमेंट, कि इंसानों ने जो जो कामयाबी हासिल कर ली उसकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि वो फर्दर अचीवमेंट ला सकें, फर्दर वो प्रोग्रेस कर सकें, फर्दर डेवलपमेंट कर सकें। जो फिफ्थ पॉइंट था वो क्या था, एक्सेप्ट चर्च डॉक्ट्राइन विदाउट क्वेश्चन, कि जो चर्च के जो जो कायदे हैं, जो जो कवानीन हैं, जो जो अकीदे हैं, उनको माना जाए विदाउट एनी क्वेश्चन, बगैर किसी सवाल के। जबकि ह्यूमनिज्म में क्या कहा गया, ईच इंडिविजुअल फाइंड्स द ट्रूथ फॉर हिमसेल्फ, कि हर इंसान को ये हक है कि वो सच्चाई तलाश करे अपने लिए, मीन्स कि वो अपने लिए क्या करे, अचीवमेंट करे, प्रोग्रेस करे, या फिर डेवलपमेंट करे, या फिर वो अपने लिए सोचे, वो ख़ुद को मुसखर करे कि उसकी हकीकत क्या है। रेनेसेंस की कुछ फर्दर करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, तो क्लासेस में नंबर वन आ जाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किस की, रेनेसेंस में बहुत सी ऐसी, रेनेसेंस के टाइम पीरियड में बहुत सी ऐसी बुक्स थी जो ग्रीक या रोमन में थी, तो क्लास बहुत सी ऐसी ग्रीक और रोमन बुक्स को ट्रांसलेट किया गया, कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि 1604 में एक किंग्स जेम था जिसने ऑर्डर किया था 47 स्कॉलर्स को कि वो क्या करें, ट्रांसलेशन करें बाइबल की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेट्रियाटिज़म की, जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो है पेट्रियाटिज़म। तो क्लास रेनेसेंस के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, पेट्रियाटिज़म मींस के जो हुब्बुल वतनी है वो दोबारा से क्रिएट हो गई थी लोगों में, रीबर्थ ऑफ सिंपैथी था, पिटी था, या फिर फीलिंग्स था। इसके अलावा जो एक और करैक्टरिस्टिक है वो क्या है, एज ऑफ एडवेंचर। रेनेसेंस को एज ऑफ एडवेंचर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो लिटरेचर था, या जो म्यूज़िक आया था, या जो आर्ट आया था, वो काफ़ी शानदार था, मीन्स के माइंड की इतनी कैपेबिलिटी हो गई थी कि वो शानदार लिटरेचर को क्रिएट कर रहे थे, शानदार म्यूज़िक को क्रिएट कर रहे थे, और शानदार आर्ट को क्रिएट कर रहे थे। एक और करैक्टरिस्टिक की बात करें लिटरेरी वर्क, तो क्लास इस टाइम पीरियड में बहुत सी इन्वेंशंस हुई थी लिटरेचर में, जैसे अगर हम कॉपरनिकस की बात करें तो उसने ये चीज़ प्रूव की थी कि सन के बजाय जो अर्थ है वो हमारा जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसका सेंटर है। एज ऑफ ड्रामा, तो क्लास इसी दौर को पहले भी हमने बात की कि एज ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है। एज ऑफ ड्रामा क्यों कहा जाता है, कि जो ड्रामा थे उनको काफ़ी बुलंदी हासिल हुई थी, उनको काफ़ी शोहरत मिली थी, किसकी वजह से, शेक्सपियर की वजह से और बेन जॉनसन की वजह से। जैसे कि आपको पता है कि शेक्सपियर का बहुत बड़ा नाम है नॉवल निगारी में, और अभी भी आप उनके नावल पढ़ते हैं तो आपको उनकी जो किरदार हैं वो अपनी आंखों के सामने चलते फिरते नज़र आते हैं। नेक्स्ट हम माइकल एंजलो की बात करें, माइकल एंजलो के काम की, तो क्लास आपको पता है माइकल एंजलो एक फेमस पेंटर थे, और इसके साथ साथ मुजस्मा साज भी थे, स्कल्प्टर भी थे, और इन्होंने बहुत से मुजस्मे जो हैं वो रेनेसेंस के टाइम पीरियड में ही बनाए थे, उनमें से एक जो है वो क्रिएशन ऑफ एडम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलंबस के वर्क की, तो कोलंबस ने आपको पता है कि अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो वो भी क्लास इसी रेनेसेंस के टाइम पीरियड में किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लियोनार्डो डी विंची, तो क्लास लियोनार्डो डी विंची भी जो थे वो एक पेंटर थे, स्कल्प्टर थे, आर्किटेक्ट थे, साइंटिस्ट थे और इंजीनियर थे। वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डाइसेक्शन की थी बॉडी की डाइसेक्शन की थी, और जो इंटरनल एनाटॉमी है, जो अंदरूनी हमारे पार्ट्स हैं, उनको उनके बारे में बताया था। और इसके अलावा उन्होंने बहुत से मुजस्मे क्रिएट किए थे या ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी, और उनको देख के ऐसे लगता था कि बिल्कुल वो क्या हैं, हकीकी हैं, बिल्कुल ऐसे उनके मुजस्मे को देख के लगता था कि ये इंसान बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है अपनी असल हालत में। जैसे उन्होंने मोनालिसा का स्टैचू बनाया था, इसके अलावा लास्ट सपर का स्टैचू बनाया था,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स की। तो क्लास रेनेसेंस ने रेनेसेंस के टाइम पीरियड में जो बाकी डेवलपमेंट्स की गई थी, एडवांसमेंट हुई थी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में, माइक्रोस्कोप्स को इन्वेंट किया गया था, कैलकुलस को इन्वेंट किया गया था, और इसके अलावा मेडिकल फील्ड में काफ़ी सारी एडवांसमेंट हुई थी। एक और चीज़ हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस। तो क्लास इस रेनेसेंस के टाइम पीरियड से पहले प्रिंटिंग प्रेस का कोई कंसेप्ट नहीं था। बहुत सी जो किताबें हैं वो हाथों से लिखी जाती थी और उनको लिखते लिखते काफ़ी टाइम लग जाता था। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो फर्स्ट टाइम इन्वेंट की गई, कब इन्वेंट की गई, रेनेसेंस के टाइम पीरियड में। इसको आप मूवेबल टाइप प्रिंटिंग भी कहा जाते हैं। डिवेलप्ड हुई थी जर्मनी में और एसोसिएटेड इसको किसने इन्वेंट किया था, गोटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था। कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस अलाउड फॉर द स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज थ्रू आउट द यूरोप। की जो प्रिंटिंग प्रेस थी इसने बहुत ज़्यादा मदद की थी नॉलेज की कि वो फैले कहाँ से, यूरोप में। अब जैसे कि आपको पता है कि जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो उससे पहले क्या होता था कि लोग हाथों से किताबों को लिखा करते थे और उनको लिखने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता था। अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई, अब बुक्स को छापने में इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, तो वो जो नई नई एडवांसमेंट और नए नए लिटरेचर में जो नई नई चीज़ें आ रही थी उनको जल्दी जल्दी छाप के क्या किया जाता था, यूरोप के बाकी जगहों पे भेज दिया जाता था। और इस तरह बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होगी और ये बहुत हेल्पफुल साबित हुई इस एडवांसमेंट में। क्लास कंक्लूजन की बात करते हैं एट द एंड। रेनेसेंस मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड इट डिनोट्स इन इट ब्रॉडेस्ट सेंस द ग्रेजुअल इनलाइटमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड आफ्टर डार्कनेस ऑफ मिडल एजेस। कहते हैं कि रेनेसेंस का मतलब क्या है कि इसने लर्निंग को रिवाइव कर दिया, दोबारा से पैदा कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी रोशनी थी एक इंसान के जहन की डार्कनेस के बाद में, इसके जो मिडल एजेस में जो जहालत थी, उसको ख़त्म करने में रेनेसेंस का बहुत बड़ा किरदार था। और इसने दोबारा से लोगों में जो है वो तड़प पैदा कर दी थी। किस चीज़ की तड़प पैदा कर दी थी? लर्निंग की तड़प पैदा कर दी थी कि लोग क्या करें, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करें, नई नई चीज़ों को सोचें और अपनी जो उनकी लाइफ है उसको मज़ीद एडवांस करने के लिए वो नई नई चीज़ों को क्रिएट करें। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू।